घर में ताला जड़ा देख चोरों ने सेनमारी को अंजाम दिया। इस मामले में शामिल तीन आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर उनकी ओर से चोरी का माल जब्त किया गया। जगन्नाथ बाबा नगर श्री कृपा कॉलोनी निवासी मनीष मनोहर रिधुरकर घर को ताला लगाकर बाहर गांव गए थे। इसी दौरान उनके घर में चोरी हुई। घर को ताला लगा देख अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और घर में रखे सोने के जेवर, एक कैनॉन कंपनी का छोटा कैमरा, ऐसा कुल 65,000 का माल चोरी किया। इसका पता चलते ही मनीष मनोहर रिधुरकर ने रामनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। इसमें शामिल तीन आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोपी अमूल इलमकर इसे पूछताछ करने पर बताया कि 20 जून को जिला गढ़चिरौली के देसाईगंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत वेस्पा कंपनी की मोपेड गाड़ी साथ ही सोने के जेवर चोरी करने का बताया। उक्त मोपेड गाड़ी और सोने के जेवर जब्त किए गए, साथ ही तीन चांदी के सिक्के, ऐसा कुल 2,06,000 का माल जब्त किया गया। उक्त कार्रवाई उप विभागीय पुलिस अधिकारी सुधीर नंदनवार इनके मार्गदर्शन में रामनगर पुलिस निरीक्षक राजेश मुड़े, पुलिस उप निरीक्षक मधुकर सामलवार, पुलिस हवालदार प्रशांत शेंद्रे, नायब पुलिस सिपाही विनोद यादव, मिलिंद दोड़के आनंद, सतीश अवथरे, पुलिस सिपाही विकास जुमना के, हीरालाल गुप्ता, संदीप कामड़ी, विकास जाधव, साथ ही भावना रामटेके ने की है। कार्रवाई संदर्भ में जानकारी पुलिस निरीक्षक राजेश मुड़े ने देते हुए नागरिकों से CCTV कैमरे लगाने का आह्वान किया ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगे। दिनांक 25/7/2023 रोजी फिर्यादी मनीष रिधुरकर आणार जगन्नाथ बाबा नगर यांनी पोलिसांना रिपोर्ट दिली होती की ते बाहेर 14/6/2023 रोजी बाहेरगावी गेले असताना त्यांच्या घराचा कुलूप तोडून गुन्हेगारांनी प्रवेश करून सोन्याचे मंगळसूत्र, सोन्याचे झुमके, ओमचे लॉकेट आणि कॅनॉन कंपनीचा कॅमेरा असा एकूण 65,000 मुद्देमाला गुन्हेगारांनी घरपोडी करून चोरून नेलेला आहे। त्या संदर्भात आम्ही पोलिसांना घरपोडीचा गुन्हा दाखल केला। गोपनीय बातमीदारामार्फत मिळालेल्या माहितीवरून तसेच तांत्रिक बाबींचा वापर करून सदर गुन्हा आम्ही उघडकीस आणला। त्यामध्ये अमोल आदेश इलमकर राहणार वैद्यनगर आहे, नंतर साहिल आंबेकर राहणार विठ्ठल मंदिर वार्ड, शाहरुख शेरखान पठाण राहणार बल्लारशा, या तिघांना अटक केली आणि या तिघांकडून या गुन्ह्यातील संपूर्ण 100% मुद्देमाल आम्ही रिकवर केलेला आहे। त्याचप्रमाणे आरोपी अमोल इलमकर याच्याकडे असलेली मोटरसायकल त्याबद्दल विचारणा केली असता ती मोटरसायकल ही देसाईगंज गडचिरोली इथून त्यांनी चोरल्या सांगितले, तसेच तिथे आणखी विचारपूस केली असता त्यांनी मोटरसायकल तसेच त्याच्याकडे सोन्याचे अंगुठी 5 ग्रॅम आणि 3 चांदी सिक्के असा एकूण 2,06,000 मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। तो संबंधित पोलिसांना त्यांच्या विनंतीनुसार आम्ही हँडओव्हर करणार आहोत। अशा प्रकारे एकूण गोपनीय अज्ञात गुन्हेगाराविरुद्ध हा गुन्हा असताना सुद्धा गोपनीय बातमीदारामार्फत हा गुन्हा उघडकीस आणलेला आहे। माझं सर्वांना आवाहन आहे की या वर्षात जेवढेही गुन्हे आम्ही घरपुढे उघडकीस आणलेले आहेत त्या गुन्ह्यांमध्ये तांत्रिक बाबींचा वापर करून गुन्हे उघडकीस आणलेला आहे। त्यामुळे मी सर्व चंद्रवासींना विनंती करेल की त्यांनी आपल्या घरासमोर किंवा घरी CCTV कॅमेरे बसवून घ्यावेत, जेणेकरून यापुढे अशा घटना घडणार नाहीत किंवा घडल्यास तर त्याचा उलगडा व्हायला मदत होईल।